विजयदशमी के पावन पर्व पर परंपरा अनुसार पुलिस लाइन सागर में शस्त्र पूजन करने के बाद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि शस्त्रों की पूजा हमें धर्म, कर्म और कर्तव्यों का बोध कराती है। हमें अपने शस्त्रों की पूजा करना चाहिए और कर्तव्य एवं कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। शस्त्र पूजन के बाद मंत्री राजपूत को जवानों के द्वारा हर्ष फायर कर सलामी दी गई। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय उइके, लोकेश सिन्हा, नगर पुलिस अधीक्षक यश बिजोलिया, श्रीमती नीलम ठाकुर, नितेश सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। आज मध्य प्रदेश सरकार ने देवी अहिल्या जी की पुण्य स्मृति में जो 300 वर्ष हो चुके हैं, आज पूरे प्रदेश में शस्त्रों की पूजा तो होती थी पर शस्त्रों की विशेष पूजा का आयोजन आज किया है। और आज हम बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित और खुश महसूस कर रहे हैं कि शस्त्र पूजा का पर्व हमारे धर्म, कर्म और कर्तव्य को याद दिलाता है। शस्त्रों की पूजा सिर्फ शस्त्रों की पूजा नहीं है, यह शस्त्रों की पूजा साधना और कर्म की पूजा भी है। एक समय था जब क्षत्रियों ने इस पूजा की शुरुआत की थी, आज ये पूजा समाज के सभी वर्ग करते हैं और हम सब दीपावली दशहरे पर इस आयोजन की पूजा करते हैं। भगवान राम ने भी शस्त्रों की पूजा की थी। इतिहास इस बात का गवाह है कि शस्त्रों ने हमारे महान सम्मान की लड़ाई लड़ी है और हमें अपने कर्तव्य का बोध दिलाया। आज विजयादशमी है, असत्य पर सत्य की विजय का बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व पर हम सभी देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। ग्राइंड भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।